हेलो दोस्तों, वेलकम टू संतोषी जैन चैनल। आज मैं आपको खानदेश का फेमस मेनू कलने की रोटी, ठेसा और सेंगदाने की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। सेंगदाने की चटनी के लिए हमने यहाँ पे 1 कप फली दाने लिए हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से तड़के तब तक अच्छा भूनना है हमें इसे। हम फली दाने को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद में हम इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। अब हम इसमें दाने भुने जाते हैं, तब तक हम देखते हैं इसमें डालने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। हमने यहाँ 7-7 हरी मिर्च ली है, 7-8 कली लहसुन के लिए और थोड़ा करी पत्ता लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ थोड़ा हरा धनिया भी लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को अवॉइड करें। आप देख सकते हैं हमारे दाने अच्छे से भुने जा रहे हैं, बढ़िया ऐसे कलर आ चुका है। हमें इसके छिलटे नहीं निकालने, छिलटों के साथ में हम इसे पीसेंगे। हमारे दाने अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं, अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमने दाने सेक लिए, हम इसे मिक्सर के पॉट में डाल लेंगे इस तरीके से। हम इसमें डालेंगे करी लीव्स, हरा धनिया और लहसुन की कलियां। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो। और हरी मिर्ची। इसी के साथ में हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। अब हम इसे मिक्सर में से बारीक पेस्ट कर लेंगे, एकदम चिकना पेस्ट करना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा भी डालेंगे, अखा जीरा। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे इस तरीके से और इसका फाइन पेस्ट कर लेंगे। यदि पानी और लगे तो और डाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल बढ़िया रेडी हो चुकी है। हमने इसने अच्छा चिकना पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी चटनी तैयार हो गई पीस के। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 1 कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे। लगभग मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, सिर्फ ज़्यादा तेल नहीं लेना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और गैस को ऑफ कर देंगे और तुरंत ही हम ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसे आप कलने की रोटी के साथ में, ज्वार की रोटी के साथ में या किसी भी रोटी के साथ में खा सकते हो। पराठे के साथ में भी बहुत टेस्टी लगती है और कलने की रोटी के साथ में तो बहुत ही लाजवाब लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये खानदेश की बहुत फेमस मेनू है कलने की रोटी और ये चटनी। इसके साथ में कलने की रोटी के साथ में चमचमाता हुआ ठेसा। जी हाँ, इतना चटपटा होता है कि बहुत ही ज़्यादा। इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ, तो देखते हैं हमने ये ठेसा कैसे बनाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें। ये काफ़ी तीखा होएगा, कच्ची मिर्ची से बना रहे हैं इसलिए। अब हम इसे मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हमने मिर्ची को इस तरह से दरदरा पीसा है, हमने बहुत बारीक नहीं किया है। ऐसे ही हमें दरदरा पीसना है ठेसे के लिए। अब हम 1 कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगी इसमें। जीरा अच्छे से चटक रहा है। इसके साथ में हम इसमें मिर्ची की पेस्ट डाल लेंगे जो हमने दरदरी पीसी है वो। इसे अच्छे से लगभग 10 से 15 मिनट तक के पकाना है। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा ठेसा बिल्कुल रेडी है। जी दोस्तों, कितना यमी है, बहुत ही चटपटा होता है ये। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। कितना शाइनी है, एकदम लाजवाब है। हाँ दोस्तों, हमारा ठेसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। वाओ। हाँ दोस्तों, देखिए इस तरह से हमारी कलने की रोटी बनेंगी। इस रोटी को हमने कैसे बनाया देखते हैं।
इसका वीडियो। इस तरह से हमें लोई लेना है, इस तरह से थापते हुए बनाना, जैसे ज्वार की भाकर बनाते हैं उस टाइप से बनाना है। इस तरह थाप के हमने इस रोटी को इतना बना लिए, एकदम बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, इसी टाइप से हमें रखना है। जैसे हम तवे पर रोटी डालते हैं उसके ऊपर पानी घुमाना है इस तरीके से। दोस्तों इस तरह से हमारी रोटी बन जाती है। इसे ऊपर से तेल लगाया है, बहुत बढ़िया लगती है खाने में, बहुत टेस्टी होती है। इसके आटे में हमने क्या क्या डाला है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। दोस्तों हमारी कलने की रोटी, ठेसा, चटनी बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खानदेश का बहुत ही फेमस मेनू है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।